पूरे देश से राजरजवाड़ों की परंपरा अब खत्म होने के कगार पर है। आज के समय में सभी राजघराने अब नए तरीके से जीवन जी रहे हैं, लेकिन ग्वालियर राजघराना अब भी अपनी पुरानी परंपरा को बचाए हुए है। सिंधिया राज परिवार में 400 सालों से दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा की जाती है। यह पूजा ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया के जमाने से होती आ रही है। इस साल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परंपरा के अनुसार पूरे विधि विधान से शमी की पूजा की। इस दौरान उनके साथ राजकुमार आर्यमन सिंधिया भी मौजूद रहे। शमी पूजन के बाद सिंधिया ने अपने तलवार से पेड़ की पत्तियों को परंपरा के अनुसार नीचे गिराया, जिसे लोगों में लूटने की होड़ मच गई। न्यूज लाइव एमपी के लिए ग्वालियर से परमेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और देश की जनता को शुभकामनाएं और बधाई। और ये जो पर्व है कि सत्य की जीत हो, क्षेत्र में विकास और प्रगति हो, हमारा किसान खुशहाल हो, जो वर्तमान में मेरा राज्य जो बाढ़ ग्रस्त रहा है पिछले एक डेढ़ माह में, चाहे वो मालवांचल की भूमि हो, चाहे ग्वालियर चंबल की भूमि हो, सभी बाढ़ग्रस्त इलाके में एक शांति का वातावरण तैनात हो, आने वाले समय में हमारे किसान खुशहाल हो और एक अमन चैन का वातावरण मेरे देश में हो, यही एक कामना है। और यही दशहरे से एक सीख हम लेते हैं कि एक वासुदेव कुटुंबक, पूरा विश्व एक परिवार है, यही भावना के साथ जीवन हर व्यक्ति को जीना चाहिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com www.newslivemp.cz.com।